बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। यूसी लर्निंग ट्यूब की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ ईटा एसएसटी जनरल टेस्ट के पार्ट पायो के साथ। इससे पहले चार हिस्सों की वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको भी देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके वो हमारे चैनल यूसी लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों टेस्ट की जानिब, टेस्ट शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो पार्ट फोर में हमने 76 तक एमसीक्यूज हल की थी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 77 है। इट इज पोलिश टू डैश एस्टेब्लिश ट्रेडिशंस, चूज द सुटेबल ईडियम टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो व्यूअर्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इट इज़ पोलिश टू नॉक द बॉटम आउट ऑफ एस्टेब्लिश ट्रेडिशंस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 78 है। शेलाक द जीव वॉज अ करेक्टर इन द प्ले डैश बाय शेक्सपियर। तो दोस्तों, शेलाक ये शेक्सपियर की कौन से ड्रामे का करेक्टर है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। क्वेश्चन नंबर 79 है। वट डू यू मीन बाय इमेजरी, चूज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, लैंग्वेज परसीव्ड थ्रू सेंसेस। क्वेश्चन नंबर 80 है। विच इज़ द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, रोमांटिक पीरियड। क्वेश्चन नंबर 81 है। शी वेंट होम एंड सिट ऑन डैश सोफा। तो व्यूअर्स, यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। शी वेंट होम एंड सिट ऑन हर कंफर्टेबल ओल्ड वुडन सोफा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 82 है। आई वुड रिलैक्स द रूल इफ आई वर द हेड ऑफ दैट कंपनी। तो दोस्तों, ये कंडीशनल टू सेंटेंस है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 83 है। आई हैव स्टिल अ फ्यू फ्रेंड्स लेफ्ट टू अप्रोच फॉर हेल्प, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है। ही सेड टू हर, विच बुक डिड यू बाय फ्रॉम दिस शॉप, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो व्यूअर्स, यहाँ पर करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑप्शन नंबर सी है। ही आस्क हर विच बुक शी हैड बॉट फ्रॉम दैट शॉप, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 85 है। हिज एंडीवर्स प्रूव्ड फ्रूटफुल, एंडीवर्स का मतलब होता है व्यूअर्स बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत करना, यानी उसी अपनी बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत का सिला मिल गया। यहाँ पर फ्रूटफुल अंडरलाइन किया गया है। तो व्यूअर्स, इसका अपोजिट वर्ड बनेगा फ्यूटाइल, यानी बेकार, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 86 है। लुक ऑन माई वर्क्स यी माइटी एंड डिस्पेयर, फ्रॉम विच पोएम दिस लाइन हैज़ बीन टेकन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ओज़िमेंडाइस। क्वेश्चन नंबर 87 है। माई टीचर हैज़ आइज इन द बैक ऑफ हर हेड, द गिवन सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईडियम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 88 है। हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल मिटने वाली चीज़ है, ये अल्फाज कुरान पाक की किस सूरा में है? तो दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन दी गई इनमें गलती है। ये कुरान पाक के 15वीं पारे में सूरह असरा में है। क्वेश्चन नंबर 89 है। अली वेट 25 पाउंड्स मोर देन अकरम, इफ टुगेदर दे वेट 205 पाउंड्स, व्हाट इज़ द वेट ऑफ अली। तो दोस्तों, अली का वेट 115 होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जबकि अकरम का वेट 90 होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है। 1/4 ऑफ अ नंबर इज़ 12, व्हाट इज़ द नंबर। तो व्यूअर्स, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, 27। क्वेश्चन नंबर 91 है। बिलिरुबिन इज अ येलो कंपाउंड दैट अकर इन द नॉर्मल कैटाबॉलिक पेथवे, इट इज ब्रेकडाउन ऑफ अ रेड ब्लड सेल्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 92 है। द वर्ल्ड रेनल इज यूज्ड फॉर किडनीज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 93 है। The heroine's infidelity find no mention in this biography. Choose the word opposite in meaning to the underlined word. Infidelity का माना है viewers बेईमानी, यहाँ पर इसका opposite word loyalty बनेगा,
ऑप्शन नंबर ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 है, देयर केम अबाउट ए डेड लॉक इन द नेगोशिएशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 95 है, द डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कैन ओनली बी सेटल्ड थ्रू नेगोशिएशंस। यहाँ पर नेगोशिएशन अंडरलाइन किया गया है। चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। नेगोशिएशन का मतलब व्यूअर्स बहस मुबाहिसा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी म्यूचुअल डिस्कशंस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 96 है, वी हैव नो डेटा टू गो अपॉन इन दिस केस। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब। तो व्यूअर्स वी हैव नो डेटा टू एग्जामिन इन दिस केस, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 97 है, व्हाट इज अ करेक्टर। चूज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज अ करेक्टर, अ फेमस मैन इन द प्ले। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 98 है, हु इज द पोएट ऑफ विक्टोरियन एज। रॉबर्ट ब्राउनिंग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 99 है, वाहिद इज डैश फिनिशिंग स्कूल नेक्स्ट ईयर। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशनल फ्रेज टू फिल इन द ब्लैंक। तो व्यूअर्स यहाँ पर वाहिद इज इंटेंट ऑन फिनिशिंग स्कूल नेक्स्ट ईयर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हमारे पास SST जनरल ईटा टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 है, यू सेड टू हेम वाई डिड यू कॉल मी नेम्स यस्टरडे। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो व्यूअर्स यहाँ पर करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, यू आस्क हेम वाई ही हैड कॉल्ड यू नेम्स द प्रीवियस डे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो दोस्तों ये रहा SST जनरल ईटा टेस्ट का मुकम्मल पेपर। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और इसके साथ साथ हमारे चैनल UC लर्निंग ट्यूब को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।